हम पावर को डिफाइन करते हैं अथॉरिटी के आधार पर। जैसे अगर ये मेरा बच्चा है तो इसे तो मेरा सुनना ही चाहिए, ये मेरे टीम मेंबर्स हैं तो इन्हें तो मेरी बात रखनी ही चाहिए। इस तरह से हमें लगता है पावर मीनिंग अथॉरिटी। लेकिन इस अथॉरिटी के आधार पर जब हम पावर को यूज करते हैं तो वो कहीं ना कहीं उस पोजीशन के साथ अटैच्ड होती है, ना कि पर्सन के साथ। और ऐसी पावर सदा नहीं रहती है, इसीलिए आज से पावर को रीडिफाइन करते हैं। पावर जो इन्फ्लुएंस कर सके औरों को राइट चीज करने के लिए। हमारे थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस जब पॉजिटिव होंगे तो हम औरों को राइट वे में इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, जिससे वही लोग जिनके साथ हमें रोज कार्य व्यवहार में आना है उनके साथ भी हमारे रिश्ते बहुत सुंदर हो जाएंगे। तो आज से पावर को रीडिफाइन करके अपने रिश्तों को भी हम रीडिफाइन करें।